आज हम समझेंगे पंचमह पाठ जिसका नेम है विद्या महिमा, मिस विद्या की महिमा। फर्स्ट श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या और ददाति मीन्स देती है, ददाति मीन्स होता है देना, ठीक है। तो विनयम मीन्स विनय, विद्या विनय देती है, विनयात याति पात्रताम, ठीक है। अब पात्रता मीन्स क्या होता है, योग्यता। विद्या से मीन्स विनय से योग्यता आती है, याति मीन्स आन, तो मीन्स विद्या से क्या होता है, विनय से क्या होता है, योग्यता आती है। पात्रत्वाद धन मापनोति धनाद धर्मः ततः सुखम्। पात्रत्वाद मीन्स क्या होता है, योग्यता। योग्यता से धन मापनोति मीन्स धन प्राप्त होता है, धनाद धर्मः ततः सुखम्, धर्म से सुख मिलता है, ओके। अब नेक्स्ट है, विदेशेषु धनम विद्या। विदेशेषु न धनम विद्या मीन्स क्या होगा, इसमें विदेशों में, विदेशेषु मीन्स विदेशों में विद्या धन है, मतलब विदेशों में विद्या कैसी है, धन है। व्यसनेषु धनम मति मीन्स लत या आदत, व्यसनेषु लत या आदत डालने से बुद्धि कैसी होती है, धन है। बुद्धि कैसी है, धन है। मति मीन्स बुद्धि। परलोके धनम धर्मः, परलोक में धर्म धन है, परलोक में धर्म धन है। सीलम सर्वत्र वै धनम, सीलम मीन्स क्या होता है, चरित्र, चरित्र सर्वत्र मीन्स सभी जगह धन है, तो सभी जगह कैसा है, चरित्र सभी जगह धन है। अब नेक्स्ट है, सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधनः शोभिते न बिना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम्। सुंदरो अपि मीन्स क्या होता है, सुंदरो मीन्स व्यक्ति सुंदर हो। सुशीलो अपि, सुशीलो अपि कैसा हो, अच्छे चरित्र वाला। कुलीनो अपि अच्छे खानदान का, और महाधन मीन्स अमीर, और कैसा हो, अमीर हो। सुंदरो अपि मीन्स व्यक्ति सुंदर, सुशीलो अपि अच्छे चरित्र वाला, कुलीनो अपि अच्छे खानदान का, महाधन मीन्स अमीर, और कैसा हो, अमीर हो। शोभते न बिना विद्याम मीन्स क्या होगा, इसमें विद्या के बिना, ना बिना विद्याम मीन्स विद्या के बिना, और उसकी शोभा नहीं है। विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सर्वस्य मीन्स सबका, भूषणम मीन्स आभूषण है, विद्या सबका कैसा है, आभूषण है, समझ जाया। सुंदरोपि मीन्स कैसा होगा, व्यक्ति सुंदर। सुशीलोपि मीन्स अच्छे चरित्र वाला। कुलीनोपि मीन्स अच्छे खानदान का, और अमीर हो। महाधन मीन्स कैसा होता है, अमीर, ओके। शोभते न विद्या, विद्या मीन्स क्या होगा, अमीर। विद्या के बिना उसकी शोभा नहीं है, विद्या सबका आभूषण है। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनिया प्रयत्नतः। विद्या रूपम कुरूपाणाम मीन्स विद्या कुरूपों का कैसा है, रूप है। निर्धनानाम निर्धनानाम धनम तथा मीन्स गरीबों का धन, निर्धन मीन्स गरीब, धनम मीन्स धन, गरीबों का धन, ठीक है। उसमें क्या है, गरीबों का कैसा है, धन है। विद्या कुरूपों का रूप है, निर्धन मीन्स गरीबों, गरीबों का धन है। निर्बलानाम बलम विद्या, निर्बल मीन्स कमजोर, बलम मीन्स ताकत, विद्या मीन्स विद्या कमजोरों की ताकत विद्या है। साधनिया प्रयत्नतः मीन्स क्या होगा, इसे इसलिए इसे प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्वत्वम च नृपत्वम च न तुल्यम कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
विद्वान मीन्स विद्वत्व मीन्स विद्वान, नृप मीन्स राजा, च मीन्स और, तो विद्वान और राजा, नेप तुल्यम कदाचन, तुल्य मीन्स तुलना, कदाचन मीन्स कवीन कवीन, तो इसमें क्या होगा विद्वान और राजा, विद्वान और राजा में कभी तुलना नहीं होती। सोदेसे पूज्यते मतलब राजा की, सोदेसे पूज्यते राजा, पूज्यते राजा मीन्स राजा की पूजा, सोदेसे सो मीन्स अपने, देश मीन्स देश, राजा की पूजा अपने ही देश में होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ठीक है, विद्वान सर्वत्र मीन्स होता है सब जगह, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो विद्या मीन्स क्या होगा आलसी, अलसस्य मीन्स क्या होता आलसी, कुतो मीन्स कहाँ, विद्या मीन्स विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, ठीक है, विद्याहीन को धन कहाँ, कुतो मीन्स कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, अधनस्य कुतो धनम, धनहीन, धनहीन का मित्र कहाँ, कुतो मीन्स कहाँ, अमित्रस्य कुतो धनम, अमित्रस्य मीन्स मित्रहीन, कुतो मीन्स कहाँ, सुख मीन्स सुख, ठीक है, मित्रहीन को सुख कहाँ मिलता है, मतलब उसको सुख नहीं मिलता। एक बार देखिए, आलसी को विद्या कहाँ, अभिनस्य मतलब विद्याहीन को धन कहाँ, अधनस्य मीन्स धनहीन को मित्र कहाँ, अमित्रस्य मतलब मित्रहीन को सुख कहाँ। अब नेक्स्ट है, पुस्तकस्थ तू या विद्या पर हस्तगतम धनम, पुस्तकस्थ मतलब पुस्तक में रखी वस्तु, रखी विद्या, और पर हस्तगतम मीन्स पराय हाथ गया धन, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, क्या हुआ, पुस्तक में रखी विद्या पराय हाथ गया धन, पढ़ने पर कभी काम नहीं आती, ऐसे ही विद्या न सा विद्या मतलब ऐसे ही विद्या से लाभ नहीं मिलता। किम कुलैन विशालैन, विद्याहीनस्य देहिनः, किम कुलैन विशालैन मीन्स विद्याहीन व्यक्ति का बड़ा खानदान, कुलैन कुलैन विशालैन विद्याहीनस्य देहिनः, बड़ा खानदान होने से क्या लाभ, कुलीनोऽपि विद्याहीन व्यक्ति छोटे कुल का हो, कुलीनोऽपि विद्यावान, ठीक है, विद्यावान व्यक्ति छोटे कुल का हो तब भी क्या होगा मिस देवैरपि स पूज्यते, तब भी वह देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। ओके, समझ आया, विद्याहीन को, विद्याहीन व्यक्ति का बड़ा खानदान होने से क्या लाभ, तो मीन्स क्या हुआ इसका क्या लाभ, ठीक है, अब क्या है कि विद्यावान व्यक्ति छोटे कुल का, कुलीनों या कुलीनों छोटे कुल का हो तब भी देवताओं द्वारा पूजे हैं। ओके, अब इसके शब्दार्थ देखिए, ये शब्दार्थ आप लोग लर्न करना, दहीना, दहीना मीन्स क्या होता है शरीर का, ददाति, ददाति मीन्स क्या होता है देती है, साधनिया, साधनिया का मीन्स क्या होता है अर्जित करनी चाहिए, पात्रत्वात्, पात्रत्वात् मीन्स होता है योग्यता से, कृपाणाम, कृपाणाम मीन्स होता है कुरूपों का, निर्बलानाम मीन्स शक्तिहीनों का, कदाचन, कदाचन मीन्स क्या होता है कभी भी, विद्याहीनस्य मीन्स विद्या से रहित, या मीन्स होता है जो, मीन्स ये स्त्रीलिंग में यूज किया जाता है, या नैव, नैव मीन्स क्या होता है ना ही, प्रयत्नतः मीन्स प्रयत्न पूर्वक, अविद्यस्य मीन्स विद्या रहित का। आप लोगों को ये चैप्टर फिर से अच्छे से रीड करना है, वीडियो को फिर से देखना है। ओके,